Hello students, in this video I am going to discuss the study guidelines for May 2020 examination which has been issued by ICAI, and this is relevant for May 2020 examination for indirect tax subject. As you all must be knowing that indirect tax has been continuously changing and many amendments come in this subject every term. So every term institute prescribes certain exclusions from this particular subject and certain amendments which are applicable for May 2020 examination. In this video, I am basically going to brief you about what is the exact exclusions which the institute has prescribed from your syllabus. So, देखिए ज़्यादा कुछ खास है नहीं क्योंकि वो exclusions already हम आपको कभी भी classes में नहीं कराते because वो already syllabus का part नहीं है. बट एक बार फिर भी इंस्टीट्यूट स्ट्रेस करने के लिए आप सबको हम सबको बता देता है कि वो सब हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप प्लीज़ उसको ना पढ़ें. ये सेम चीज़ हम लास्ट टर्म में भी कहते और इस टर्म में भी मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ विद सर्टेन न्यू एक्सक्लूजन्स. तो ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें वो सारे टॉपिक्स पढ़कर जो ऑलरेडी सिलेबस में कवर्ड नहीं है. ठीक है, तो स्टडी गाइडलाइंस फॉर मे 2020 ये आप क्लियरली ICAI.org के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. आपको ये सोर्स वहीं से मिलेगा. तो जैसे आप देख रहे हो लिस्ट ऑफ टॉपिक वाइज एक्सक्लूजन्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स. लेट मी टेल यू, दिस वीडियो इज ओनली एप्लीकेबल फॉर CA स्टूडेंट्स. CS और CMA स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ये मैं खाली CA स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ. तो सबसे पहला जो टॉपिक है चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज. तो ये तो मैंने आपको पहले भी क्लासेस में कहा था कि आपके एग्जाम में रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल नहीं है. आपको गुड्स और सर्विसेज का रेट्स ऑफ टैक्स एग्जाम में दिया रहेगा, वो आपको लर्न करके नहीं जाना. ऑल दो ये आपके स्टडी मैट में लिखा होगा बट आपको ये नहीं पढ़ना. देन आपको जैसे पता होगा कि सेक्शन 9(3) विच इज अबाउट रिवर्स चार्ज ऑन नोटिफाइड सप्लाईज रिकमेंडेड बाई GST काउंसिल, ये गुड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, सर्विसेज के ऊपर भी एप्लीकेबल है. मैंने आपको क्लासेस में सर्विसेज और गुड्स दोनों पढ़ाया था क्योंकि CS और CMA के लिए भी वो एप्लीकेबल है. बट फॉर CA स्टूडेंट्स गुड्स वाला जो सप्लाई है उस पर वो जो लिस्ट मैंने या 5 or 6 कमोडिटीज अगर आपको याद होगा, रॉ सिल्क या रॉ कॉटन या एग्रीकल्चर से कैशूनट्स खरीदना या लॉटरी टिकट्स खरीदना फ्रॉम दी बाई द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम दी गवर्नमेंट, इन दोज केसेस रिवर्स चार्ज लगता है ऑन सेलेक्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स पे. वो गुड्स का नेचर CA स्टूडेंट्स को लर्न नहीं करना. यस, CS और CMA स्टूडेंट्स के लिए वो एप्लीकेबल है, ऑल दो मैंने आपको करवा दिया है. IGST एक्ट में भी रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर. सेम 5(3) जो रिवर्स चार्ज 9(3) में था गुड्स के ऊपर, वही 5(3) है गुड्स के ऊपर, वो भी एप्लीकेबल नहीं है. IGST एक्ट में मैंने इनफैक्ट आपको ये भी समझाया था कि आप कैसे ये डिटरमाइन करोगे कि कोई सप्लाई का नेचर क्या है, इंटर और इंटर, जैसे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होता है, सेम UT में होता है, ये चीज़ होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई. डिफरेंट स्टेट में होता है, ये होता है इंटर स्टेट सप्लाई. सप्लाई बाई SEZ या टू SEZ, ये होता है इंटर स्टेट सप्लाई. एक डिटर्मिनेशन हम लोग ने पढ़ा था सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट में. तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है. बेसिकली इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट का डेफिनेशन एंड सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स जो IGST एक्ट में गवर्नड है. एंड लास्टली एक स्पेशल प्रोविजन है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ OADR सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन सर्विसेज, जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, वो भी आप लोग के सिलेबस में कवर्ड नहीं है. अब आता है एग्जेम्पशंस. देखिए सर्विसेज के ऊपर जो एग्जेम्पशंस है वो सारे आपके सिलेबस में, बट गुड्स के ऊपर जो एग्जेम्पशंस है वो आपके सिलेबस में नहीं है. आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट CA स्टूडेंट्स. आई रिपीट अगेन, मैं CS और CMA स्टूडेंट्स का बात नहीं कर रहा. नेक्स्ट आता है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो टाइम ऑफ सप्लाई में देखिए, इफ यू नो देर आर 3 सेक्शन, सेक्शन 12, 13 एंड 14. तो 12, 13 तो CA स्टूडेंट्स के सिलेबस में है, बट सेक्शन नंबर 14 जो आपने पढ़े थे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, वो CA स्टूडेंट्स के सिलेबस में नहीं है. ऑल दो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था उस सेक्शन में, बट फिर भी आप पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. आपको वापस से डिलीट नहीं मारना बिकॉज ब्रेन में आपको ऑलरेडी जा चुका है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CA स्टूडेंट्स को वैल्यूएशन रूल्स नहीं पढ़ना. जो हम लोग रूल 27 से रूल 35 पढ़े थे, जो CS और CMA स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, बट CA स्टूडेंट्स आपको ये वैल्यूएशन रूल्स नहीं पढ़ना. इंटरमीडिएट का सिलेबस का मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल सिलेबस में तो ये सब कुछ कवर्ड है. नेक्स्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अगर आपको याद होगा सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 21, 16, 17 और 18, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो CA स्टूडेंट्स को पढ़ना है. बट उसके बाद के जो सेक्शंस हैं 19
20 एंड 21, ये तीन सेक्शन ऐसे हैं जो सीए स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना, ये सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ना है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस में कराया था, मैंने कॉमन चैप्टर्स में इसको नहीं करवाया था। तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे कुछ नया एक्सक्लूड हुआ नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया नहीं है, तो ये आपको पढ़ने की भी दरकार नहीं है एडिशनली। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो तीन सेक्शन है 19, 20, 21, ये आपको नहीं पढ़ना। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है, रूल नंबर 44 में मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट ऑफ एडिशनल ड्यूटी, ये भी आपको नहीं पढ़ना। मैनर ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल इन रिस्पेक्ट ऑफ रियल एस्टेट, बहुत ध्यान से देखेंगे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में रूल 42 और 43, ये दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए एंड वेरी वेरी ह्यूज अपडेट्स आए हैं, वेरी वेरी ह्यूज, यू कांट इमेजिन, वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। ऑल तो आपके मैट में मैंने अपडेट करके रखा है, बट वो आपको करने की दरकार नहीं है, वो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ गाइस खाली रियल एस्टेट वाले पार्ट का, बट बाकी जो पार्ट अपने पढ़े थे जैसे T1, T2, T3, वो सब आप सबको पढ़ना पड़ेगा, जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए, वो भी आपको सबको पढ़ना पड़ेगा, ये सब अपने एग्जाम्स में एप्लीकेबल है। GST रिटर्न, जैसे आप सबको पता है कि GSTR 2 एंड GSTR 3 डिसकंटिन्यू हो चुका है, अकॉर्डिंगली 1A भी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसका आपको कोई भी डिटेल्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 42 एंड सेक्शन नंबर 43, ध्यान देंगे या मैं रूल 42-43 बोला था या मैं सेक्शन 42 और 43 बोल रहा हूँ, सेक्शन 42-43 क्योंकि अभी मैचिंग कॉन्सेप्ट चालू नहीं हुआ है जीएसटी में, तो 42-43 का भी इन्होंने अभी ऑल्दो मैट में दिया हुआ है, बट ये आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। पेमेंट ऑफ टैक्सेस में देर आर टू इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूजन्स जो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं था, दैट इज बेसिकली TDS एंड TCS। TDS वो है सेक्शन 51 में और TCS है सेक्शन 52 में, ये दो जो सेक्शंस है ये एप्लीकेबल नहीं होगा फॉर योर एग्जामिनेशन, ये आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस में। नेक्स्ट गाइज कॉम्पोजिशन टैक्स रेट्स आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। नोटिफिकेशन नंबर 2/19 जैसे अपने पढ़े थे कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स, दैट इज 6% वाला रेट, ये भी आपके लिए एप्लीकेबल है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज जो मुझे आपको बताना है इस वीडियो में वो ये है कि नॉर्मली आपको पता है कि फॉर मे 20 टर्म आपका जो पिछला फाइनेंस एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा, दैट इज फाइनेंस एक्ट 19, एंड ये सेम फाइनेंस एक्ट नवंबर 20 पे भी अप्लाई होता है, बट क्योंकि इस बार इलेक्शन ईयर था तो फाइनेंस एक्ट 19 जो हुआ ना वो 31 अक्टूबर के बाद इनेक्ट हुआ। आई रिपीट, इस बार फाइनेंस बिल जब 19 आया था, गाइस मेरा बात बहुत ध्यान से सुनेगा, फाइनेंस बिल 19 दो बार आया था, एक बार फेब में आया था और एक बार जुलाई में आया था। 5 जुलाई को जो आया था जो निर्मला जो बजट पेश हुआ था फाइनेंस बिल 2019 को, तो उस समय जो बजट पेश हुआ था उस समय ध्यान रखिएगा वो वाला जो इनैक्टमेंट हुआ वो 31 अक्टूबर के बाद हुआ। एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट अगर आपका एग्जाम मई में है तो 6 महीना पहले तक का जो आपका अमेंडमेंट्स है वो एप्लीकेबल होता है, यानी अक्टूबर तक अगर अमेंडमेंट आ गया तब तो आपके एग्जाम मई वाले टर्म के लिए एप्लीकेबल है वरना नहीं। तो फाइनेंस बिल एक्ट बनते बनते इफेक्टिव होते होते वो 31 अक्टूबर के बाद हुआ। अकॉर्डिंगली इनडायरेक्ट टैक्स पर्पज के लिए, खाली मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स पर्पज के लिए नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स पर्पज के लिए मैं बोल रहा हूँ, इन दैट केस जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स जीएसटी से रिलेटेड फाइनेंस एक्ट में आए थे 2019 में वो आपके एग्जाम्स में एप्लीकेबल नहीं है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, फाइनेंस एक्ट 2019 वाला जो जीएसटी का अमेंडमेंट्स है वो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फाइनेंस एक्ट 19 वाले अमेंडमेंट्स क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर मे 2020 एग्जामिनेशन। देखिए बहुत सारा अमेंडमेंट्स था भी नहीं, ऑल्दो मैंने मैट में दिया हुआ है बट मैंने आपको वो कवर नहीं कराया आपके सिलेबस में, ये कवर होगी नवंबर 2020 एग्जामिनेशंस में। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनेंस एक्ट 19 में एक जिसको अपने बोलते हैं ना सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, कि अगर लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन चल रहा है तो उसको सेटल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बीच बीच में एक स्कीम्स लेके आता है, जैसे सर्विस टैक्स में आ रहा था वॉलंट्री पेमेंट स्कीम, वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स में इन्होंने लाया सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2019 विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन फाइनेंस एक्ट, वो भी आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
आर्टिकल 370 द मोस्ट हॉटेस्ट रीसेंट न्यूज़ जो आपको सभी को पता है कि आर्टिकल 370 के डिलीट होने से हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट का पार्ट था स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस उसे यूनियन टेरिटरी करार दिया गया. अब वो दो यूटी बन गई है, लद्दाख और आई मीन जम्मू एंड कश्मीर. तो ये वाला जो प्रोविज़न है ये मई 2020 एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. यानी क्या आप आज भी जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट की तरह मानोगे और उसको एग्जामिनेशन में स्टेट की तरह मान के ही आपको सम करना होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर सी ए इंटर स्टूडेंट्स, एप्लीकेबल फॉर मई 2020 एग्जामिनेशन. देन ये मोटा मोटी सब मैंने आपके साथ कवर कर लिया है. ये जितने भी सिलेबस मैंने आपको बताया गाइस ध्यान से देखिए, जैसे TDS TCS का जो प्रोविजंस है, अब वो TDS TCS का प्रोविजंस रिस्पेक्टिव यू नो सेक्शंस में भी है जो ऑलरेडी सिलेबस में, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन में TDS TCS के प्रोविजंस है, इवन ITC में TDS TCS के प्रोविजंस है, इवन रिटर्न्स में TDS TCS के प्रोविजंस है. तो अगर TDS TCS हट गया है तो वो रिस्पेक्टिव टॉपिक से भी हट जाएगा, इसका ये मतलब है. मतलब ज़रूरी नहीं है कि अब एक टॉपिक से है तो मतलब इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि बाकी सारे चैप्टर्स में भी अगर वो कहीं ना कहीं हिडन है तो वो भी हट जाएगा. तो ये है पॉइंट नंबर 4 में कि रिस्पेक्टिवली जहाँ वो बता रहे हैं वो भी वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा. जैसे मान लीजिए ISD के रिटर्न्स फाइल होते हैं, TCS दे ऑल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ITC एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, द प्रोविजन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, ये सब के सब क्या होंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न से भी. तो रेस्पेक्टिवली आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. तो ये हमारी जैसे 19, 20, 21 दैट इज ऑफ ITC, ये सब उससे रिलेटेड है, आई मीन ISD से रिलेटेड है. तो आपको ISD का रेस्पेक्टिव वाला टॉपिक्स भी नहीं पढ़ना विच इज़ देयर इन योर सिलेबस. सो दैट्स इट गाइस, वेरी स्मॉल वीडियो विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू विच इंस्टीट्यूट हैज़ होस्टेड इट इन देयर वेबसाइट एज इन सम टॉपिक एक्सक्लूजन्स जो ऑलरेडी आपको पढ़ाया नहीं गया है. एक बार आप ज़रा ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर लीजिएगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, फाइनेंस एक्ट 19 आप लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है. फॉर GST बोला मैंने, इनकम टैक्स के लिए वो एप्लीकेबल रहेगा जैसे रहता था. थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.